हेलो बच्चों, आज का हमारा सवाल है, चित्र में दिखाए गए एल आकृति के पतली चपटी प्लेट का द्रव्यमान केंद्र निकालें। प्लेट का द्रव्यमान 3 kg है। अब देखिए, पूरी प्लेट का द्रव्यमान हमें 4 ऑप्शन दिए गए, सही ऑप्शन बताना है। अब पूरी प्लेट का द्रव्यमान 3 kg है, तो हर एक छोटी प्लेट के पार्ट का द्रव्यमान कितना होगा? सभी का द्रव्यमान 1 kg ही होगा, ठीक है। अब हमें निकालना है पूरी प्लेट का द्रव्यमान केंद्र। तो हमें पता है द्रव्यमान केंद्र XCM बराबर कितना होता है, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, इतना ही होता है। पहली प्लेट की बात करें C1 की, तो इसका द्रव्यमान 1 है और इसका केंद्र कहाँ होगा? देखिए, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1 है, तो केंद्र क्या होगा, 1/2 पे होगा। प्लस दूसरी प्लेट की बात कर रहे हैं, द्रव्यमान 1 है, केंद्र कितना होगा, 1 प्लस यहाँ तक की दूरी 1/2, तो टोटल दूरी कितने हो गए, 3/2। प्लस तीसरी प्लेट का द्रव्यमान कितना है, 1 है। अब इसका केंद्र यहाँ से कितनी दूरी पर, एक्स में 1/2 दूरी पर ही है, अपॉन में टोटल मास 3 हो गया। अब देखिए कितना बना, 2 अगर एलसीएम ले लें तो 1 + 3 + 1 अपॉन 2 × 3, तो ये कितना हो जाएगा, 5/6 मीटर हो गया एक्ससीएम का मान। अब अगर हम वाईसीएम निकालें तो वाईसीएम क्या होगा, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3। अब देखिए, पहली प्लेट का मास तो वही रहेगा, द्रव्यमान 1 ही रहेगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, टोटल दूरी 1 थी तो 1/2 होगी। प्लस दूसरी प्लेट के लिए भी दूरी कितनी होगी, 1/2। प्लस तीसरी प्लेट का द्रव्यमान तो 1 ही है, इसकी दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 1, और 1 में 1/2 और जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 3/2/3। फिर से हम क्या करेंगे, 2 को एलसीएम ले सकते हैं, तो कितना बचेगा, 1 + 1 + 3, 2 × 3, तो वाई सी एम का मान भी कितना आ गया, 5/6 मीटर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा बी ऑप्शन सही होगा। आशा है आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।